सूत्रीय मांग को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को मंडल अध्यक्ष पन्नीलाल के नेतृत्व में नगर आयुक्त को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मंडल अध्यक्ष पन्नीलाल यादव ने कहा कि महानगर को जलभराव और जाम से मुक्त किया जाए। उन्होंने बताया कि शहर में छुट्टा पशु घूम रहे हैं, जिससे आम जनमानस में डर का माहौल बना हुआ है। शहर को छुट्टे पशु से मुक्त किया जाए। उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 28 में पादरी बाजार के व्यास नगर में नाले पर अतिक्रमण किया गया है। नाले को तत्काल अतिक्रमण से मुक्त किया जाए, जिससे जनता को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मंडल अध्यक्ष पन्नीलाल यादव ने कहा, मैं पन्नीलाल यादव गोरखपुर मंडल अध्यक्ष हूँ। आज ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय उमा शंकर यादव जी के निर्देश पर शहर की विभिन्न समस्याओं को लेके पांच सूत्रीय मांग का ज्ञापन माननीय नगर आयुक्त महोदय को सौंपा गया और अपनी मांगों को दृष्टिगत रखते हुए इनसे जल्द से जल्द संज्ञान लेके उसको दूर कराने के लिए कहा गया है। ठीक है, इसमें विभिन्न मांगे हमारे हैं। वार्ड नंबर 28 पादरी बाजार व्यास नगर में नाला अतिक्रमण किया गया है, जांच करा कर अविलंब मुक्त करावें, शहर में जल भराव की समस्या, छुट्टा पशुओं से आए दिन शहर के नागरिकों को दिक्कत होती है, जिससे उससे मुक्त कराने के लिए कहा गया। जी सर, यही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे विभिन्न मांगे हैं।